सदगुरु किस्सा जी नवा जी, गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। आज का टॉपिक है सतगुरु के दिल में हमेशा सेवक ही बसते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सदगुरु जी अपने सेवकों से बहुत प्यार करते हैं। सदगुरु तो सारी मानवता से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने सेवकों से बहुत प्यार करते हैं। निरंकार गुरु निसेवक का पर्दा आप ही ढकता है। संकट कष्ट मुसीबत में यह हाथ शीश पर रखता है। मान बढ़ाई देने वाला दास को इज्जत देता है। अपने नाम के सिमरन की यह दास को हिम्मत देता है। मालिक सेवक पर ही पल पल रहमत करता है कि पल पल रहमत करता है, हमेशा रहमतों की बरसात करता है। अपने सेवक की रखवाली करता है, जिसके ऊपर हाथ रखे जो चाहे करवा सकता, एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का जिसके सिर पे, वह दुनिया से डरता नहीं। इसके सेवक का जो सेवक कभी मौत से मरता नहीं। जब तक भी है आप ना चाहे, मारे जग की हिम्मत ना, जीना मरना हाथ इसी के और किसी की ताकत ना। बेमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया। अवतार कहे वह मरे ना जन्मे, इसने नाम चितार लिया। ये जब मेहरबान होता है तो अपने सेवक का पक्ष रखता है। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उस बंदे की मौज बहार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसकी होती कभी ना हार। कि जिसका पक्ष सदगुरु कर दे, उसे कभी हार नहीं होती। क्योंकि सदगुरु के दिल में, दिमाग में हमेशा सेवक ही छाए रहते हैं। सेवक से सदगुरु बहुत प्यार करते हैं। सदगुरु के दिल में हमेशा सेवक ही बसते हैं। सेवादार संत महात्मा जो सदगुरु के हुक्म में रहते हैं, सदगुरु के आदेश का पालन करते हैं। अब यहाँ एक बात और समझना है कि सदगुरु का हुक्म आदेश क्या है। सदगुरु का जो आदेश है वो है सबको खुशियां देना। जो रो रहा है उसको हंसाना, क्योंकि सदगुरु ने हमें भी हंसाया। जब हम निरंकारी मिशन में आए, हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, तब जाकर हमने हंसना शुरू किया। जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं था, हम इस संसार में थे, अज्ञानता की नींद में सोए थे, दर दर भटक रहे थे, हमें कोई पूछता ही नहीं था, तो हम रो रहे थे। क्योंकि दुनिया की ठोकरें हमें रुला रही थी, हम बहुत परेशान थे। लेकिन सदगुरु ने कृपा की, अपना बना लिया। तूने खरीद कर हमें अनमोल बना दिया, अनमोल कर दिया। क्योंकि अनमोल इस निराकार के साथ जोड़ दिया, खुशियां दे दी। गुरु ने कृपा की, हमें सेवा सत्संग सिमरन दिया। तो ये एहसान है गुरु का। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कि तूने तरस खाया, कृपा की, अपना बनाया, चरणों से लगाया, संतों का संग दिया, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी कृपा है। कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया तेरी रोशनी के पहले। कि कोई पूछता ही नहीं था, सब ठुकरा रहे थे, केवल आंसू ही मिल रहे थे, हम तो रो रहे थे। हंसना तो तूने मुझे सिखा दिया। जब गुरु ने हमें हंसाया, जीवन जीने की कला सिखा दी, कि परमात्मा का आधार लेकर जीवन को जियो, संतों का संग करो। जब परमात्मा को आधार बनाकर जीवन को जियोगे, हर पल इसका सहारा लोगे, तो जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, हमेशा रहमतों की बरसात होगी। तो सुख के स्रोत, आनंद के सागर, परमपिता परमात्मा के साथ हमें जोड़ा गया। तो जब सदगुरु ने हमें परमात्मा के साथ जोड़कर हंसाया, खुशियां दी, तो हमने भी अब ये खुशियां आगे से आगे बांटना है। अगर कोई रो रहा है उसको हमें हंसाना है, कोई गिरा हुआ है उसे उठाकर गले से लगाना है। बाइबल की वो बात लॉर्ड जीसस की, कि जब मैं भूखा था
तो जिसने मुझे खाना खिलाया वो मेरे पास होगा। जब मैं प्यासा था जिसने मुझे पानी पिलाया वो मेरे पास होगा। तो ये परमात्मा हर घट में विराजमान है। अगर हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं, सबको मुस्कान देते हैं, मुस्कान का कारण बनते हैं, हंसी खुशी देते हैं, तो हमारे जीवन में ये हंसी खुशी कायम रहती है। और सदगुरु के जो सेवक होते हैं हमेशा यही काम करते हैं, जो सबको हंसाते हैं, सबको खुशियां बांटते हैं, प्यार देते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, तो सदगुरु के दिल में बस जाते हैं। सदगुरु के दिल में हमेशा सेवक ही बसते हैं जो मानवता की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। सतगुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के पांच इकरार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक भक्तों का करता सत्कार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक गुरु संगत से करता प्यार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक संतों का यश गाता है, कहे अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्ष आता है। निरंकार गुरु बहुत खुश होता है जब संतों की सेवा करते हैं, संत खुश तो निरंकार खुश। तो हमें ये सेवा दी गई, संतों की सेवा करो, संतों की सेवा बन जाए सेवा मांगो दाता यही वरदान। मानवता की सेवा करो, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है, हम है सेवादार, हम है सेवादार। तो हमें सेवादार बना दिया गया। ये जरूरी नहीं कि हम खाकी और नीली वर्दी पहनकर ही हम सेवादार बनेंगे, ऐसा नहीं है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने दिल्ली संत समागम में, दास भी वहां पे था, तो सेवादल रैली में बाबा जी का वो शब्द आज भी दास को याद है कि जो हमारे मिशन के जो सेवादार हैं वो केवल मिशन तक ही सीमित ना रहे। सेवा किसी दायरे में नहीं होती, सेवक सेवा किसी दायरे में रहकर ही नहीं करते। हमारे मिशन के जवान, सेवादार भाई बहन, हर संत सारी दुनिया के लिए हैं, पूरे मानव परिवार के लिए हैं। मानवता की सेवा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि हमें सारी मानवता की सेवा करना है, पूरे विश्व की सेवा करना है, जन जन की सेवा करना है, घर घर में मिशन की आवाज को बुलंद करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको खुशियां देनी पड़ेंगी, सभी को प्यार देना पड़ेगा। बस एक अपना नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। सदगुरु का यही नारा है कि दुनिया में भाईचारा हो जाए। बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज जी ने मानवता के लिए अपनी कुर्बानी दी। 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज जी ने मानवता को स्थापित करने के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया। तो प्यारी सत्संगत जी, हमने भी आगे से आगे तप और त्याग करते हुए मानवता की सेवा करना है। सेवक को सेवा बनियाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। तो परम पद होता है सेवक का। सेवक से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है, सेवक से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। सदगुरु के दिल में हमेशा सेवक ही बसते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।